हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ प्रगति। तो हम लोग आज जा रहे हैं मसूरी। तो जा तो रहे हैं पर ये नहीं पता हम लोग मसूरी पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। फिलहाल हम लोग रेडी हो चुके हैं कि आगे क्या सिचुएशन है वो मैं आगे अपडेट देती रहूँगी गाड़ी में आपको। अभी हम फिलहाल जाते हैं गाड़ी में बैठने। तो हे गाइस, तो अभी हम लोग गाड़ी में आ चुके हैं और निकल रहे हैं मसूरी के लिए। और अभी अशिप्रा गई है अपनी नानी के शॉप पर चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने के लिए। तो पता नहीं आगे शॉप्स वगैरह ओपन है या नहीं है, अभी कुछ हमें पता नहीं है। वैसे तो लगभग मार्केट ओपन है बट आज संडे है तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो चलिए चलते हैं और आपको मैं बाहर का भी दिखाती चलती हूँ, देहरादून का, देहरादून टू मसूरी का। तो यहाँ पर ही पास में एक शॉप ओपन थी, उसी से चिप्स और कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लिए हैं बच्चों के लिए। और उनको हमने ऑलरेडी सैनिटाइज कर लिया है क्योंकि पता नहीं है ऊपर मार्केट में या फिर मसूरी पहुँचने के बाद वहाँ पर ये चीज़ें मिलें ना मिलें। और हमने अपना जो स्नैक्स वगैरह है वो ऑलरेडी बनाया हुआ है, जैसे कि टी और जो वहाँ पर खाने पीने का सामान हमने ऑलरेडी घर से बनाकर लेकर जा रहे हैं। और घर से निकलने से पहले हमने अपना टूरिस्ट पास जो ऑनलाइन बनता है, ट्रैवलिंग वाला पास, वो बनवा लिया है। और मसूरी में हमने तीन जगह जाने का प्लान किया है। सबसे पहले मसूरी के मॉल रोड जाएंगे, उसके बाद जाएंगे कंपनी गार्डन और फिर जाएंगे कैंपटी फॉल। और वापस आते हुए हम लोग जाएंगे कोठाल गेट। ये एक शिव मंदिर है जो मसूरी के रास्ते में ही पड़ता है। तो वापस आते हुए हम वो शिव मंदिर में दर्शन करते हुए घर वापस आएंगे। तो अराउंड अभी हमारी 40 मिनट की ड्राइव हो चुकी है और हमने गाड़ी को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोका है क्योंकि जो अशिप्रा है मेरी डॉटर, उसको थोड़ा वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। तो हमने गाड़ी को रोककर थोड़ा सा ब्रेक लिया है यहाँ पर। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है वो सब मैं आपको दिखाऊँगी, मैंने मसूरी से क्या क्या खरीदा है। लगभग मसूरी में पूरा मार्केट बनता बट कुछ कुछ एक या दो शॉप बीच बीच में हम लोगों को ओपन मिली थी, तो हमने वहीं से कुछ शॉपिंग की है। और मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की है, वो आपको मैं वीडियो के एंड में दिखाऊँगी। जब हम इस टाइम मसूरी के आधे रास्ते में पहुंच चुके थे जहां पर हमने ब्रेक लिया था, तो काफ़ी अच्छा वेदर था, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। हल्की हल्की धूप थी बट गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही थी, काफ़ी अच्छा मौसम था। तो अब हम आगे बीच में कोई ब्रेक नहीं लेने वाले हैं, सीधे मॉल रोड पर अब हम जाएंगे और वहीं पर अपनी गाड़ी को स्टॉप करेंगे। अभी हम आ चुके हैं मॉल रोड, यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो व्यू है उसको देख रही थी। वीडियो बन रही है, ट्रक आ रहा है, छूट जाओगे। वीडियो है ये, मैंने इसलिए शूट करा है, देखिए पीछे जो बैकग्राउंड है, जो क्लाउड्स हैं वो बिल्कुल ब्लैक हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। तो जब हम मॉल रोड गए तो वहाँ की सारी शॉप्स वगैरह क्लोज थी, तो इसलिए हम लोग अब जा रहे हैं कंपनी गार्डन। मॉल रोड का वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि सारा मार्केट क्लोज था, तो मैंने उसका कोई वीडियो शूट नहीं किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना अब मैं आपको कंपनी गार्डन लेकर चलती हूँ। तो अब हम लोग सीधे जा रहे हैं कंपनी गार्डन के लिए। जब हम लोग कंपनी गार्डन पहुँचे तो वो भी क्लोज था, वहाँ पर लॉक किया हुआ था कंपनी गार्डन, बिल्कुल बंद किया हुआ था एंट्री। तो उसके बाद हम लोग अब जा रहे हैं कैंपटी फॉल। तो कैंपटी फॉल जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ भी एंट्री होती है या नहीं होती है, वहाँ का फाउंटेन तक हम पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते हैं। फाइनली अब हम आ चुके हैं कैंपटी फॉल। और कैंपटी फॉल आने के बाद जो वहाँ पर एक दो शॉपकीपर्स वगैरह थे जिन्होंने अपना जो शॉप है वो ओपन की हुई थी, उनसे ही हमने पूछा था कि क्या रोपवे वाला जो रास्ता है वो ओपन है। तो रोपवे का जो रास्ता है वो तो क्लोज़ किया हुआ था, रोपवे से आप नहीं जा सकते वहाँ पर। और ये जो लेडर वाला एरिया बनाया हुआ है कैंपटी फॉल तक जाने का, तो उसी से हम लोग जा रहे हैं। और वहाँ पर थोड़ा सा मार्केट भी है, साइड साइड में बहुत सारी शॉप्स हैं बट वो सारी शॉप बंद हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। एक भी शॉप हमें यहाँ पर अभी भी तक खुली हुई नहीं मिली। अच्छा हुआ हम लोग अपना वाटर बॉटल और जो अपना खाने पीने का सामान था सब साथ में लाए थे, तो बहुत ही अच्छा हुआ, वरना यहाँ पर अभी कुछ भी ओपन नहीं है। तो कैंपटी फॉल तक नीचे जाने के लिए हमें अराउंड 1 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा है। और उसके बाद मैं आपको कैंपटी फॉल का व्यू दिखाऊंगा। बीच बीच में आपको ये बेंचें भी पड़ी हुई मिलेंगी जिससे कि आप थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रेस्ट करके जा सकते हैं, बट उतरते हुए तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, चढ़ते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी।
अभी आपने झरना देखा वही है कैंपटी फॉल। बस 10 या 15 लेडर उतरने के बाद हम लोग कैंपटी फॉल पहुँच जाएंगे। बट बच्चों को काफ़ी भूख लगी थी तो हमने सोचा यहाँ पर काफ़ी बेंचे वगैरह पड़ी थी और काफ़ी क्लीन एरिया था तो हमने यहीं पर अपनी मैट बिछाई है और यहीं पर थोड़ी सी पेट पूजा की है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे यहाँ से कैंपटी फॉल। बस 5 मिनट में हम कैंपटी फॉल पहुँचेंगे उसके बाद। तो अभी आप जो ये फाउंटेन देख रहे हैं यही है कैंपटी फॉल। और हम लोग बिल्कुल नीचे नहीं गए क्योंकि काफ़ी लोग थे और बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस हम लोग नीचे नहीं गए बच्चों को लेके। हम लोगों ने ऊपर से यहीं से उसका व्यू देखा है और उसके बाद हम लोग वापस निकल रहे हैं। तो हम मॉल रोड वगैरह पे और बाकी मसूरी में हमें कहीं भी इतना क्राउड नहीं मिला बट कैंपटी फॉल में काफ़ी क्राउड था। शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कैंपटी फॉल ही ओपन था, बाकी कंपनी गार्डन और मॉल रोड तो बिल्कुल बंद था। तो कैंपटी फॉल में भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, अराउंड हमने 1 आवर यहाँ पर स्पेंड किया है जो कि हमें खाने पीने में लगा है टाइम, और बाकी तो हमने बस फाउंटेन देखा है और हम नीचे तक ज़्यादा नीचे तक नहीं गए हैं। तो अब हम वापस जा रहे हैं और वापस जाते समय हमें 2 या 3 शॉप ओपन मिली हैं तो वहीं से हमने थोड़ी सी शॉपिंग की है। तो ये एक इयरिंग और ये बैंगल की शॉप है और उससे पहले एक यहाँ पर शॉप मिलेगी आपको वुडन के सामान की। तो हम दोनों जगह से शॉपिंग करने वाले हैं, काफ़ी अच्छा सामान है तो हमें कुछ चीज़ें पसंद आई हैं हमने वो यहाँ से बाय की हैं। तो इस शॉप पर वुडन की बनी भी काफ़ी यूनिक और एंटिक चीज़ें हैं तो उसी का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ पूरी शॉप का। जो वुडन वाली शॉप थी वहाँ से हमने जो वुड का काफ़ी सारा सामान खरीदा है। और उसके बाद ये इयरिंग की शॉप में आपको जो फ्रूट वाले इयरिंग दिख रहे हैं इस टाइप के, मैंने 2 या 3 इयरिंग्स बाय कर लिए हैं और मम्मी ने काफ़ी सारी बैंगल्स ली हैं। और ये सारी जो शॉपिंग मैंने की है ये वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी। और ये स्टॉल्स आपको दिख रहे हैं ऐसे नेक पीस वाले, ये स्टॉल भी हमने यहाँ से बाय किए हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और हम लोग घर की तरफ वापस जा रहे हैं। हम लोग सुबह 7 बजे घर से चल दिए थे और 4 बजे क्योंकि 2 या 2 जगह तो हमें बिल्कुल बंद मिला है तो हम वहाँ विज़िट नहीं कर पाए हैं। तो अभी हम वापस जा रहे हैं और वापस जाते हुए हम जाएंगे कुठाल गेट यानी कि शिव मंदिर जो मसूरी के रास्ते में पड़ता है, अगर वो ओपन हुआ तो। सुबह मॉर्निंग में जब हमने देखा था तो वो ओपन था तो हमने सोचा शाम को दर्शन करते हुए हम लोग घर वापस जाएंगे, तो वो ओपन मिला तो हम वहाँ पर आपको उसके दर्शन कराएंगे मंदिर के। अभी हम आ चुके हैं शिव मंदिर और ये जो एंट्री दिखा रही हूँ ये शिव मंदिर की एंट्री है। बाकी मंदिर जो क्लोज किया हुआ है बट छोटा सा जो गेट है वो उसको ओपन किया हुआ है मंदिर का और वहीं से अब हम एंटर करेंगे। चलो मंदिर में ही बाहर एक काफ़ी बड़ा सा शिवलिंग है और वहाँ पर ऐसे जो बकेट है उसमें जल भर के रखा हुआ है और जो लोटा है वो भी दिया हुआ है, वहीं से आपको जल चढ़ाना है शिवलिंग पर। तो वही हमने यहाँ पर थोड़ा सा शिवलिंग पर जल चढ़ाया है और आशीर्वाद लिया है। और जो मंदिर के जो अंदर जो मूर्तियाँ वगैरह रखी गई हैं वहाँ पर रस्सी लगाई हुई है, दूर से ही आपको दर्शन करने हैं। और प्रसाद के पैकेट्स वगैरह बना के रखे हैं, वही प्रसाद आप अपने हाथ से आपको वो पैकेट उठाने हैं। और यहाँ मंदिर के साइड में ये काफ़ी बड़ी सी शॉप बनाई हुई है जिसमें कि आपको काफ़ी सारे स्टोन जैसे कि मूंगा, रुद्राक्ष वगैरह और जो मूर्ति वगैरह है वो मिलती हैं, आप चाहें तो शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो इस मंदिर में आप कभी भी आएँ यहाँ पर चाय और प्रसाद मिलता ही रहता है, तो वहीं पर हमने जो प्रसाद का पैकेट है वो लिया है और हम लोग ने चाय ली है तो वही हम पीने जा रहे थे उसके बाद। तो मंदिर में शांति से काफ़ी देर बैठने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर। तो घर पहुँचने के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना शॉपिंग कलेक्शन। चुके हैं तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं मसूरी से।
और सुबह हम लोग निकले थे 8 बजे और अभी बज रहे हैं शाम के 7 बजे तक हम लोग घर पे आए, क्योंकि हम लोग कोठालगढ़ का जो मंदिर है वहां पर होते हुए आए थे, जो कि आपने मेरे वीडियो में देखा था। ये एंड में मैं शूट कर रही हूँ कि मैंने वहां पर क्या क्या शॉपिंग की, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे शेयर करूँ मैंने क्या क्या खरीदा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मैंने ये 2 लाइटिंग ली हैं जो मुझे बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। ये थोड़ा इस तरीके से, यहाँ पर इसमें एक स्विच है पीछे ऑन करेंगे, इसमें सेल पड़ते हैं और ये आगे आने वाले मेरे वीडियोस में आप देखेंगे क्योंकि मुझे जरूरत पड़ती है। तो मैंने ये इस तरह की लाइटिंग ली, शायद आपको दिख रही होगी ये जल रही है इस तरीके से, अभी अंधेरा होगा तो आपको दिखाई देगा। तो इसका जो पिक्चर है वो बाद में मैं आपको शेयर कर दूंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, पापा मसूरी में है ना जो वुडन का सामान है वो काफी अच्छा मिलता है, तो मैंने ये एक, मैंने नहीं मेरी मम्मी ने ये एक चॉपिंग बोर्ड लिया है वुडन का, ये काफी अच्छा चॉपिंग बोर्ड है। तो ये मिला था हमें 400 रुपीज का चॉपिंग बोर्ड और ये उन्होंने इस तरीके से न्यूज़पेपर में रैप करके दिए थे। ये एक की बॉक्स है जिसमें कि आप अपनी की टांग सकते हैं, जैसे कि हम लोग बाहर से जो की टांगते हैं यहाँ पर ऐसे बाहर ऐसे लगी होती है नेल्स, तो उनमें की टांगो तो वो बाहर थोड़ा अजीब सा लगता है दिखने में क्योंकि उसमें कीज वगैरह दिखती रहती है, तो इसलिए खरीदा है कि आप अपनी कीज वगैरह यहाँ पर टांग दें और इसको बंद कर सकते हैं। और पीछे इसमें ये हैंग करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये काफी मुझे पसंद आया था छोटा सा, तो आप इस तरीके से रख भी सकते हैं। तो ये भी मम्मी ने लिया है एक अपने लिए घर पे लगाने के लिए। और फूड बास्केट है जैसे कि आप अपनी डाइनिंग टेबल वगैरह पे रख सकते हैं, ये फूड बास्केट ये खरीदी है। ये बास्केट अराउंड दी है उसने 600। ये टोटल 3 चॉपिंग बोर्ड और एक की रिंग वाला जो स्टैंड है वो और एक ये टोटल 1100 पे दिया है 3 चीजें हमको। और अभी मैंने क्या शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक ये स्टॉल लिया है, ये इस तरीके से है, दो लिए हैं, एक मैंने लिया है ये वाला और एक मम्मी ने लिया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने बाद में दूसरी शॉप से लिया तो ये मुझे ज्यादा पसंद आया मम्मी वाला, एक ये भी है इस टाइप से। तो ये 200 रुपीज में लिए हमने वहां से मसूरी से। और जो मेरी फेवरेट चीज है वो मैं अब आपको दिखाती हूँ, इयर रिंग्स दिखाती हूँ। ये बहुत ही सस्ते और बहुत ही चीप प्राइस में एक तरीके से मुझे मिल गए हैं, वरना अराउंड 100-150 में इयर रिंग्स मिलते हैं, तो ये मैंने लिए हैं 50 रुपीज में ओनली वहां से। और एक मैंने ये लिया है, ये सीप होता है सीप टाइप में, तो ये भी मुझे काफी पसंद थे, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी इसको बाय करने के लिए और मुझे दिख गए तो मैंने ले लिए, ये भी 50 रुपीज में मिले हैं। और इस टाइप के मेरे पास कंगन भी हैं तो मैंने ये भी बाय कर लिए, ये दोनों भी 50 रुपीज में मिले हैं। ये हैं वो मम्मी ने दी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस टाइप का कड़ा है ये देखिए, ये लिया है मम्मी ने, इसमें के मम्मी ने 2 लिए हैं सेम, तो ये दिया था उसने 50 का एक एंड 100 में 2। और ये वाला एक, ये भी एक आप एक हाथ में पहन सकते हैं ब्रेसलेट टाइप, ये भी काफी पसंद आया है, ब्लैक एंड रेड कलर में है, ये दिया था 100 रुपीज में हमको, 100 रुपीज में मिला है। और नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ ये 4 बैंगल्स, ये भी 100 रुपीज के, 150 में 4 मिले थे हमको। नेक्स्ट जो मेरा ये फेवरेट कलेक्शन है वो मैं आपके शेयर करती हूँ, ये मैंने लिए हैं वुडन के इयर रिंग्स, ये भी 100 रुपीज में मिले हैं। नेक्स्ट जो मेरे फेवरेट कलेक्शन है वो मैं आपका शेयर करने रही हूँ, मुझे बहुत पसंद थे, ये मैंने लिए हैं, ये इसमें हार्ट बनाया और नारियल का ट्री बनाया है, गोल्डन और ग्रीन एंड येलो शेड में है, ये ऊपर ब्लैक है, ये 100 रुपीज में मिले हैं मुझे। एक ये मैंने लिया है पाइन एप्पल, उसमें तो ये भी मेरे आगे आने वाले वीडियोज में आप देखेंगे, देखिए पाइन एप्पल में है, ये मैंने लिए 100 रुपीज के। और नेक्स्ट ये लास्ट मेरा फेवरेट है, एक ये इयर रिंग्स है, ये मेरे काफी फेवरेट है, मुझे काफी पसंद आए थे, तो ये भी मैंने 100 रुपीज में मुझे मिले हैं। तो यही था आज की मेरी शॉपिंग का कलेक्शन, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा ये वीडियो मेरा, और अगर आप मेरा चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरा ये ब्लॉग आपको आज कैसा लगा है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।